सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे। हालांकि यह प्रोग्राम पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में होना था, लेकिन बारिश के चलते प्रोग्राम नेहरू नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2019 में सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक हो गए हैं, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। 2024 के आते आते एक बार फिर एक साथ हो रहे हैं। का चुनाव तो लड़ना व्यर्थ है। सपा बसपा कांग्रेस और जो तमाम भाजपा विरोधी दल हैं, उनके दल में कोई टिकट मांगने वाला नहीं, कोई टिकट लेने वाला नहीं। भाजपा की आंधी अभी 2023 से ऐसी चल रही है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प दोहराते हुए अभी 17 नगर निगम में उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हुआ है। हम यूपी में इस बार 80 के 80 लोकसभा जीते तो कोई आश्चर्य नहीं। तो सांपनाथ और नेवलानाथ एक साथ रह ही नहीं सकते, केरवेर का संग हो नहीं सकता। ये मोदी जी का खौफ है जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है जनता उनका साथ छोड़ चुकी है, मोदी जी का साथ जोड़।